गाइज वेलकम बैक दिस प्रीति फ्रॉम माईआर चॉकलेट हो पी गाइज आर डूइंग रियली वेल आज मैं बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा मेकअप लुक लेके आई हूं मैंने टिप्स और ट्रिक्स भी बताया आप अपने मेकअप लुक को कैसे लॉन्ग लास्टिंग रख सकते हो विंटर्स में अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा लेट्स गेट स्टार्टेड ओके मेकअप स्टार्ट करने से पहले हम लोग अपने फेस को करेंगे मॉइस्चराइज द वन विच आई एम यूजिंग इस फ्रॉम न्यूट्रोडर्म ये काफी हाइड्रेटिंग है और ये ऑल स्किन टाइप आराम से यूज़ कर सकते हैं अगर आपका सेंसिटिव स्किन भी है आप इसको ट्राई कर सकते हैं बहुत अच्छे से आपके फेस को मॉइस्चराइज रखता है तो मैंने इसको अपने पूरे फेस में अच्छे से लगा लिया है हाईली रिकमेंडेड गाइज अगर आपके फेस में कोई भी फेस क्रीम में मॉइस्चराइजर नहीं सूट कर रहा है तब आप ये वाला यूज़ कर सकते हो मैंने ये अमेजोन से परचेज़ किया था नेक्स्ट अप मैंने यूज़ किया अपना प्राइमर विच इज़ फ्रॉम शुगर बहुत ही लाइट वेट है अगर आप पार्टीज वगैरह में जा रहे हो तब आप प्राइमर जरूर लगाइएगा नाउ हैक नंबर वन अगर आपका स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है विंटर में तो मैं सजेस्ट करूंगी प्राइमर के बदले आप बेबी ऑयल या कोकोनट ऑयल दो से तीन ड्रॉप लेके अपने पूरे फेस में लगा लीजिएगा नेक्स्ट अप मैंने यूज़ किया यहाँ मिलाने का कंसीलर ठंड में अगर आप कंसीलर लगाओगे ना तो ज़्यादा अच्छा काम करता है बिगिनर्स आप कोई भी अफोर्डेबल कंसीलर परचेज कर लेना इसको यूज़ कैसे करना है मैंने थोड़ा सा जस्ट लिया है और उसमें मैं दो से तीन ड्रॉप ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल मिलाऊंगी और इन दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं अपने फेस पे लगाऊंगी इससे क्या होगा मेरा जो फ़ेस है वो ड्राई नहीं होगा और कंसीलर बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है आपको लगाना कहाँ है आपको अगर बहुत डार्क सर्कल्स हो गया कहीं डार्क स्पॉट है ब्राउन स्पॉट है कहीं भी एक्ने मार्क्स वगैरह हैं उसके ऊपर थोड़ा सा लगाना है और ब्लेंड कर लेना है पूरे फेस में कंसीलर नहीं लगाना है जस्ट टू हाइड योर इम परफेक्शन आपको कंसीलर लगाना है जो भी कंसीलर आप यूज़ करोगे मेक श्योर sure वो आपके स्किन कलर से क्लोज हो बहुत लाइट यूज़ नहीं करना है जब आप इसको अच्छे से ब्लेंड कर लोगे उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे अपना सीसी क्रीम आप चाहे तो बीबी क्रीम भी यूज़ कर सकते हो और अगर आपको फाउंडेशन लगाना है तब तो आप कोई भी लाइट वेट फाउंडेशन ट्राई कर लेना मैं ज़्यादा फाउंडेशन नहीं लगाती हूँ ठंड में जितना लाइट आप मेकअप पे जाओगे ना उतना फेस कम ड्राई होगा और मेकअप आपका लॉन्ग लास्टिंग रहेगा तो जस्ट आप थोड़ा सा लगा लेना सीसी क्रीम और उसको ब्लेंड कर लेना आप अपने सीसी क्रीम में कोई ऑयल ऐड मत कीजिएगा हैक इज़ जिस ब्यूटी ब्लेंडर से आपने अपना कंसीलर और ऑयल मिक्स करके लगाया था उसमें ऑलरेडी ना वो ऑयल का पोशन रह जाता है तो उससे जो सी सी क्रीम है या बीबी क्रीम बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा तो आपको अलग से कुछ ऑयल नहीं लगाना है नेक्स्ट आप मैंने यूज़ किया अपना बनाना पाउडर गाइज ठंड में मैं सजेस्ट करूँगी कॉम्पैक्ट से ज़्यादा बेट यू नो बनाना पाउडर येलो पाउडर लूज पाउडर ज़्यादा अच्छा काम करता है तो मैंने इसको जस्ट हाइस्ट पॉइंट्स पर लगाया है पूरे फेस में मुझे ज़रूरत नहीं था ओके okay, जब तक आपका बेस सेट होगा हम लोग करेंगे अपना आई मेकअप मैंने यहाँ पे मेकअप रेवोल्यूशन का ये वाला पैलेट यूज़ किया है गाइस पॉप ऑफ कलर्स है इसमें ट्राई ज़रूर करना मैंने अपने टॉप से मैचिंग करता हुआ ये लाइट ग्रीन शेड उठाया है और यू you नो know, इसको इस टाइप के ब्रश से लगाया है इससे ज़्यादा अच्छे से यू नो पिगमेंट मिल गया था मुझे उसके बाद मैंने मेकअप रेवोल्यूशन का ब्लश पैलेट से ये वाला शेड लिया है और इसको ब्लेंड कर दिया जो भी कलर का ड्रेस आप पहनोगे ना उस कलर का आप यू नो आई शेडो ले लेना अपने आईलेट पर पॉप कर लेना उसके बाद कोई भी लाइट पिंक या लाइट ब्राउन कलर से आप उसको ब्लेंड कर लेना फिर मैंने क्या किया एक कि आई लाइनर यूज करने से बेटर मुझे लगता है आप आई शेडोज यूज़ करो ब्लैक कलर के तो बहुत अच्छा लगता है जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो उसके बाद मैंने यूज़ किया अपना मस्कारा विच इज़ फ्रॉम ब्लैक में और इसको मैंने अच्छे से लगा लिया अगर आपको फॉल्सीज नहीं लगाना है गाइज मस्कारा का दो कोट आप लगा लो फॉल्सीज़ का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा ओके एक और टिप अलग से आपको आईब्राउ का प्रोडक्ट खरीदने का जरूरत नहीं है जब आप मस्कारा लगा लोगे ना उसके बाद जितना भी लेफ्ट ओवर रहता है आप उससे अपने ब्राउज को ग्रूम कर लीजिएगा तो उससे क्या आपको अलग से ब्राउ प्रोडक्ट खरीदने का जरूरत नहीं है बहुत अच्छे से यू नो लग जाता है आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर माई ब्लश मैंने यहाँ मेकअप रेवोल्यूशन का ये वाला पैलेट यूज़ किया है इट्स अ ब्यूटीफुल पैलेट गाइस कलर्स भी बहुत अच्छे हैं आप भले ही कॉन्टोरिंग या ब्रॉन्जिंग मत करो विंटर्स में लेकिन ब्लश को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा उसको ज़रूर लगाएगा इससे फेस बहुत सुंदर दिखता है फॉर माई हाईलाइटर मैंने शुगर का वाला पैलेट यूज़ किया है बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप हाईलाइट नहीं चाहिए आप जितना लाइट लगाओगे उतना अच्छा लगेगा क्योंकि हमने कोकोनट ऑयल यूज़ किया था ना उससे जो हाईलाइटर है ना जो कम पिगमेंट वाला हाईलाइटर भी वो भी बहुत अच्छा दिखता है फॉर मैं लिपस्टिक मैंने यहाँ एन वाई बे का ये लिप लाइनर यूज़ किया पहले पूरा लिप्स पे इसको लगा लिया है मैंने मुझे थोड़ा पीच टाइप का कलर चाहिए था उसके बाद मैंने उसको टॉप किया है लॉरियल का इस लिपस्टिक के साथ आप कोई भी न्यूड पिंक टाइप का लिपस्टिक लगा लोगे तो बहुत सुंदर लगेगा इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लग रहा था लिप्स पे सो दैट वाज द फाइनल लुक गाइस अगर आपने ट्राई किया ये लुक डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो गाइस ये सब हैक फॉलो करो यू विल सी द डिफरेंस सो दैट ऑल फॉर टुडे गाइज आई होप आपने काफी इन्जॉय किया हो वीडियो अगर आप इस लुक को क्रिएट करोगे डू टैग मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो डोंगेर फॉलो मीन ऑल माई सोशल मीडिया सारा प्रोडक्ट डिटेल आपको नीचे इन बॉक्स में मिल जाएगा थैंक यू यू सो मच फॉर सी बाय